तुम्हारी जिंदगी तो पहेली बन के रह गई है ना। तुम पहले खुश थे ना अब खुश हो। इतना परेशान तो तुम अनाया भाभी से शादी के बाद भी नहीं थे जितना आज नजर आ रहा। आज तुम्हारा रिसेप्शन है और तुम्हारा ये मूड है। तुम जानते हो मुझे, मैं ऐसा नहीं था, ऐसा बना दिया गया। अनाया के अलावा कोई और बात ही नहीं करनी होती, उसकी सुबह उससे होती है या रात को उससे खत्म होती है। मुझे नहीं समझ आती यार, बता रहा हूँ कि मुझे अपने घर में अपने ही रूम में घुटन महसूस होती है यार। लीजिए मेरी समझ से बाहर। मगर अब वो तुम्हारी बीवी। यही तो सारा मसला, इसी बात का तो दुख है। अब पछताओ या जेल के गुजारो, जिंदगी तो तुम्हें उसी के साथ गुजारनी है। जो भी यार, उसकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं कभी कभार यार। मैं चाहता हूं कि हमारा रिलेशनशिप ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। और तुम्हें पता है, मेरे साथ तो ठीक है, उसने अम्मी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी, और यहां तक ख्याल नहीं किया कि यार सामने सर्वेंट खड़ा हुआ है। मेरी इज्जत नहीं करती, अम्मी की इज्जत नहीं करती, तो पीछे रह क्या गया है? यार देखो, मुनीजे बड़े बाप की इकलौती बेटी है। जिस घर में उसके इतने नाज नखरे उठाए गए हों, उसकी आदतें तो बिगड़नी थी ना। माँ उसकी है नहीं, बाप की शफकत के साथ माँ की तरबियत भी बहुत जरूरी होती है। उसमें जो महरूमी रह गई है, उसे तुम अपनी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करो, वरना अनाया भाभी की तरह ये रिश्ता भी मुझे ज्यादा दूर तक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखो, तुम दोनों में से किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना अंजाम वाजे। अनाया भाभी पर जो गुजर रही है, मैं समझ सकता हूं। देखो, घर किसी इंसान का टूटे या परिंदे का, सर पे चतना हो ना तो जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती। बस इतना ही कहूंगा कि खुद को आने वाली परेशानी से बचाओ।